इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से हुई। सियोई उन पागलों की तरह यान को ढूंढने लगी, उसका नाम चिल्ला चिल्ला कर। तभी ऊपर से यान की आवाज आई, ओह थैंक गॉड ये जिंदा है। सियोई ने उसे रोते रोते काफी मारा कि क्यों वो ऐसे काम करता। यान कहता है, मैं कैसे मर सकता हूँ, मेरी जान तो तुम में बसती है। और पहली बार यून इन्हें देख खुश हुई। क्या मैं आपको एक बात बता सकता, मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। अब ये सीन जानते हो गए, ग्रैंडपा ने यान की न्यूज देखकर कहा था कि यान ने कोई न्यू स्ट्रेटजी को यूज कर एलिस्टार को टॉप पे लाया और किम को भी हरा दिया। एक्चुअली वो गलत लाइन थी, वो ऐसा था, यान की स्ट्रेटजी और किम के साथ जो कोलैबोरेशन हुई, मतलब अब से उन दोनों की कंपनी एक हो गई। ऐसे दो स्ट्रेटजी को उसने यूज करके पूरे मार्केट को डोमिनेट कर दिया, क्योंकि उनका एकलौता कॉम्पिटिटर जो अब उसके साथ मिलकर काम करेगा। ओके प्लीज कंफ्यूज मत होना और मुझे माफ भी कर देना, अगर आपको नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। क्योंकि ये ड्रामा बहुत ही कंफ्यूजिंग और कहीं कहीं इसमें लूप होल्स भी है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसे सीधी तरीके से एक्सप्लेन करने का। ओके यून ने आते आज की सारी बात किम को बताई और पूछा, इससे हमारे कोलैबोरेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? पहली बात किम ने उसे जुआंग फैमिली के मैटर से दूर रहने के लिए कहा और वो जरूर यान की मदद करेगा। इधर सियोयुन ने उसे बहुत डांटा, इसी वजह से यान ने उसे चुप करने के लिए कुछ इस तरह से तरकीब यूज की। वो जानना चाहती थी आखिर सच में क्या चल रहा, पहले यान की वन डे डेट, फिर वो अनजान लड़का, इसलिए यान को उसे सारी सच्चाई बतानी ही पड़ी। वो सियोयुन को जुआंग फैमिली और एलिस्टार के जंग में उसे इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सारी बातें उससे छुपाई बस उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। हमने देखा जिस हाथ ने वो पेंडेंट को उठाया था सियोयुन के घर से, वो हाथ चोर का नहीं डैड का था। वो पेंडेंट डैड के पास ही है और जो पेंडेंट का बॉक्स चोर ने गाड़ी के अंदर फेंका था वो नकली था। इधर ये इतने जोर जोर से रो रही थी, सबको लगने लगा कहीं दोगिन ने तो इसके साथ कुछ गलत नहीं किया। इसे चुप करने के लिए दोगिन ने उसे यून की स्टोरी बताई, कई साल पहले जब दोंगयून लड़की था यान ने उसे हीरो की तरह बचाया। अरे अरे मैं मजाक कर रहा, ऐसा कुछ नहीं था। कॉलेज टाइम में कुछ बुलीज लड़के इसे परेशान कर रहे थे तो यान के आते वो दोनों ही भाग गए, लेकिन यान उल्टा उसे बुली करने लगा। फिर दूसरी इंटरव्यू यान की, उस दिन से यान और यून हर दिन लड़ा करते जब तक कि उनके बीच दोस्ती नहीं हुई। लेकिन एक दिन फिर से वो बुलीज कुछ ज्यादा लड़के लेकर उसे मारने आए। फिर क्या यान आया, इन दोनों ने मिलकर उन सबको मारा बहुत ही स्टाइल में। उस दिन से वो दोनों पक्के दोस्त बने। ए रुको एक सेकेंड, आपको ऐसा नहीं लगता दोंगयून इस कहानी में हीरोइन की तरह था? यून ने शाओली से भी पूछने की कोशिश की कि आखिर जुआंग फैमिली में क्या चल रहा, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं बताया। चलो अब इन्वेस्टिगेशन में बैठा जाए। जो कार का यान पीछा कर रहा था वो रेंटेड थी और उस लड़के के सब डॉक्यूमेंट्स नकली है। इन सिंपल वो सियोयुन के घर पेंडेंट लेने आया था, लेकिन यान उसके बीच में आ गया। लेकिन यान को एक बात खटकी, जिस कंपनी की गाड़ी थी रेंटेड वाली वो 20 साल पुरानी है, जिनका ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा नाम है। क्या आप इससे कुछ समझे? नहीं ठीक है फिर आगे सुनो। यान ने दोंगयून को जुआंग फैमिली की कैश फ्लो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था, यान के मॉम डैड के एक्सीडेंट के पहले के। तो दोंगयून ने बताया मॉम डैड के एक्सीडेंट के दिन ही एक बहुत ही बड़ी अमाउंट जुआंग फैमिली के अकाउंट से ओवरसीज बैंक में ट्रांसफर हुई थी। लेकिन रुको, ये तो वो ट्रांजेक्शन है जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा था। उस दिन एक और ट्रांजेक्शन भी हुआ जो सिर्फ दोंगयून ने ढूंढ निकाला। जो दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ था वो आता एक मिड एज लेडी के अकाउंट में, नाम जैंगमिन, जिसका दूर दूर तक एलिस्टार से कोई संबंध नहीं था। उससे भी अजीब बात, जैंगमिन 17 साल पहले ही गुजर गई है और अब तक किसी ने भी उसके पैसों को हाथ नहीं लगाया, ना उसकी फैमिली ना कुछ। आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? तीसरी बात तो सुन लो, इससे आप शॉक हो जाओगे। उनके अकाउंट में एक पर्सन ने कुछ दिनों पहले लॉगिन किया था एंड वो पर्सन और कोई नहीं सियोयुन के डैड है। इधर जैसे डैड को पता चला सियोयुन ट्विन रोज पेंडेंट को ढूंढ रही। अरे एक सेकेंड आप कंफ्यूज मत हो ना, ट्विन रोज मतलब जो जीवन सुख ने सियोयुन को दिया था। ये पेंडेंट वाली बात सुनते उनके रिएक्शन एकदम से चेंज हो गए और वो उनके पास ही है, उन्होंने इसे जीवन सुख को तो दे दिया, लेकिन डैड का आखिर उस पेंडेंट से क्या रिश्ता होगा?
ये किसी को नहीं पता उनके अलावा। और इन सब ने सुबह यान डैड से मिलने आया। आपको पता है ना, वो डैड से मिलने आने वाला था। यान ने उसके लिए गिफ्ट लाए और सियोयुन ने भी उसके लिए कुछ अलग लाया है। वो एकदम से इसके बटन खोलने लगी भर रस्ते में। ओह ऐसा नहीं, एक्चुअली सियोयुन ने उसके लिए एक स्पेशल टाई लाया था। देखो यान का दिमाग कितना गंदा है, ये मैंने नहीं सोचा था। और सेस गर्ल ने उसे कहा अगर सियोयुन ने ये टाई अपने बॉयफ्रेंड को पहनाई तो उसका बॉयफ्रेंड उसके इशारों पे नाचेगा। यहाँ पर वो लाइन सबसे फिट बैठती है। कहते हैं ना, प्यार को बचाने के लिए इंसान या किसी भी हद तक जा सकता। एक सेकेंड, उसे तो टाई पहनाने ही नहीं आती, लेकिन यान के होते हुए क्या ही चिंता, ही इज अ परफेक्ट मैन। यान ने उसका हाथ पकड़कर उसे टाई पहनाना सिखाया और फिर से शुरू हो गए। घर में आते डैड यान से बहुत गुस्सा थे, उसने उनकी प्यारी बेटी को काफी खतरे में डाला। और याद रखना, डैड यान को एज अ जुंगो के नाम से जानते थे, ना कि यान। लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि ये यान है, वो यान से कुछ अकेले में बात करना चाहते और उनके हाथ कुछ और कह रहे थे। यान सियोयुन जाते गुस्से से कहता है, क्या आप मेरे बारे में नहीं पूछोगे? मेरी एज, मेरी आइडेंटिटी, मेरी फैमिली। फिर भी उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी बताकर कहा, मेरे मॉम डैड 17 साल पहले एक्सीडेंट में मर गए। डैड ऑन स्पॉट और मॉम मिसिंग है। और जियोनसु के साथ भी ऐसा ही हुआ। यान ने उन्हें पूछा कि वो क्या करते, लेकिन सियोयुन उनके बीच में आ गई। यान सियोयुन से जानना चाहता था उसका बचपन कैसे गया। उसके मुंह से सियोयुन ने बताया, बचपन में उसकी माँ की डेथ होने के बाद डैड ने उसे पाला ट्रक ड्राइवर काम करके। हैं, ट्रक ड्राइवर? क्या आपने सुना, ट्रक ड्राइवर? आप देख सकते हो यान की आंखों में कितना गुस्सा भरा है। उसने दोबारा सियोयुन को किचन में भेजा और कहा, आपकी वाइफ 17 साल पहले बीमार थी और उसका नाम जांग मिन है। ये सुनते डैड के हाथ से पानी का ग्लास गिर गया। मतलब आप समझ सकते हो, वो कुछ ना कह कर भी बहुत कुछ कह रहे हैं। इतने में हमें शाओली के डैड से पता चला, 17 साल पहले जिस ट्रक ड्राइवर ने यान के मॉम डैड को मारा, वो सियोयुन के डैड थे। ओ, ये तो काफी इंटेंस था। और नेक्स्ट एपिसोड में आपको बाकी की कहानी पता चली, जो बहुत ही जल्दी आएगा। आपको तो पता है मैंने प्रॉमिस किया। सो प्लीज लाइक करो प्लीज, और सब्सक्राइब जरूर करना। सो बाय बाय।